हरे कृष्णा, आज मैं आपको बुनाई से इस तरह की बाल गोपाल की पोशाक बनाना बताऊंगी। ये बुनाई से बनी हुई है, इसके अंदर मैंने सीधी उल्टी बुनाई और जाली, बस ये तीन का इस्तेमाल किया है और उससे ये बहुत सुंदर पोशाक बन जाएगी। ये मैंने एक ही कलर में बनाई है सैंपल के लिए। ये हमारी बेसिक ड्रेस है, इसमें मैंने कोई डिजाइनिंग नहीं की है, ये सिर्फ मैंने बेसिक सिंपल ड्रेस बनाई है। इसके अंदर जो चोली है उसके अंदर जाली डली है और जो घेरा है उसमें भी जाली डली है, तो ये पूरा गोल घेरा आएगा। इसके बाद ये पूरी फ्रंट से ओपन ड्रेस है, अगर आप चाहें तो इसमें बटन लगा सकते हैं, क्रोशिया की किनारी कर सकते हैं, डिजाइनिंग टोटल आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो घेरे को यहाँ से सिलाई कर सकते हैं, घेरा इस तरह से सी जाएगा और ये पहनने के लिए जगह हो जाएगी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह की मैं आज आपको सिलाई की ड्रेस बताती हूँ कि हम ऊन सिलाई से किस तरह से इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने लिए हैं 14 फंदे। अब मैं इस ड्रेस को बनाने से पहले उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी बेसिक स्टिच की और जाली बनाने वाली ड्रेस अच्छे से देख ली होगी और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो आपको सीधी उल्टी बुनाई अच्छे से आती है और जाली डालना अच्छे से आता है, तो इसलिए मैं आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हम इजीली कर सकते हैं। मेरे 5 नंबर के कान्हा जी हैं, ठीक है, उसमें मैंने 16 फंदों से शुरू की है। मेरे पहले हैं 16 फंदे, ठीक है, 16 फंदों से मैंने शुरू किया। 16 फंदों के बाद मैंने पहले और दूसरी रो की है सीधी सिलाई की, ठीक है, सिर्फ मैंने इसमें सीधी सीधी सिलाई डाली है पहली और दूसरी रो की। रो 3 के अंदर मैंने जाली डाली है, तो रो 3 मेरी क्या आ गई, पहले 2 फंदे मैंने नॉर्मल सीधे बुने हैं, फिर 2 जाली डाली है, फिर 1 नॉर्मल बुना है, फिर 2 जाली डाली है, फिर 2 बुने हैं सीधे फंदे, फिर 2 जाली, फिर 1 बुना है, फिर 2 जाली और फिर 2 लास्ट के सीधे फंदे बुने हैं। अभी देखिए पहले और आखिरी में मैंने 2-2 बुने हैं। ये है मेरा आगे का पेज जो हमारा ओपनिंग पार्ट होता है। बीच के ये फंदे होते हैं हमारे बाजू के, कि बाजू कितने की आएगी, और ये बीच 2 फंदे जो है ये हमारा पीछे का पोर्शन होता है। ये देखिए ये ड्रेस हमारी इस तरह से डिवाइडेड होती है, ये होता है हमारा आगे का पार्ट, ये जिसके लिए मैंने 2 फंदे लिए हैं, 2 फंदे बढ़ते बढ़ते ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। बाजू के फंदे होते हैं ये, जितने की हमें बाजू बनानी है, ये देखिए बाजू की आपको इस तरह से दिख रही है ना, वी शेप आ रही है कि बाजू के अंदर मैंने 1 फंदे से शुरू किया है, बाजू के अंदर दोनों तरफ से फंदे बढ़ते हैं तो इसलिए 1 फंदे से मैंने इसको शुरू किया है। 1 फंदे से बढ़ते बढ़ते ये इतनी हो जाएगी। फिर जो बीच का पोर्शन है ये मैंने 2 फंदों से शुरू किया, यहाँ से 2 फंदों से ये बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, फिर दोबारा बाजू आ जाएगी और ये बैक का पोर्शन आ जाएगा। इस तरह ये हम अपनी ड्रेस को आगे सब में डिवाइड करते हैं। उसके बाद रो 4 आएगी मेरी उल्टी बुनाई की। जब भी हम जाली बनाते हैं, मैंने पहले आपको बताया था, जब भी हम जाली बनाते हैं उसके बाद अगली उल्टी बुनाई की होती है, ठीक है। उसके बाद रो 5 के अंदर हमने फंदे बढ़ाए हैं, तो ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है क्योंकि कुछ परेशानी ना आए, मुझे पता है आपको जाली डालने अच्छे से आ गई है, बट फिर भी मैंने आपको एक बार बताया है, जो पहले मैंने 2 फंदे डाले थे उसके 3 हो जाएंगे, फिर 2 जाली डलेगी, जो हमने 1 फंदा डाला था उसके 3 फंदे हो जाएंगे क्योंकि 1 फंदा इधर से आएगा, 1 फंदा इधर से आएगा, इसके 3 हो जाएंगे, फिर 2 जाली डालेंगे, जो हमने 2 फंदे डाले थे उसके 4 हो जाएंगे, फिर 2 जाली आएगी, जो 1 डाला था उसके 3 हो जाएंगे, 2 जाली, फिर 3 फंदे। फिर रो 5 में हमारी, रो 6 के अंदर हमारी उल्टी बुनाई आएगी, रो 7 के अंदर फिर हमारी जाली आएगी, तो जाली के अंदर इसी तरह जो 3 थे उसके 4 हो जाएंगे, जो 2 जाली आ जाएगी, जो हमारे 3 थे उसके 5 हो जाएंगे, फिर 2 जाली आ जाएगी, फिर जो हमारे 4 थे उसके 6 हो जाएंगे, फिर 2 जाली आ जाएगी, जो हमारे 3 थे उसके 5 हो जाएंगे, 2 जाली आ जाएगी, इस तरह बढ़ेंगे। तो आप ये देखेंगे इसके अंदर कि जो पहले मैंने 2 से शुरू किया था वो 3 हुआ, फिर 4, फिर 5, फिर 6, हर रो के अंदर 1-1 फंदा बढ़ रहा है। जो बीच बाजू का है वो 2-2 बढ़ रहे हैं, पहले 1 था, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। जो बीच छाती के थे पहले 2 थे, फिर 4 हुए, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरह से ये बढ़ रहे हैं। तो एक बार जाली डलने के बाद, इसमें ज़रूरी हमारा है कि जाली एक के ऊपर एक आए, सीधी आए, तभी उस ड्रेस का अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये चोली बनाने के लिए हम कर रहे हैं और चोली के हम करेंगे 20 रो, 19 रो हम चोली की करेंगे, चोली की, और उसके बाद 20वीं रो पे हम बाजू को जोड़ेंगे, ठीक है। 20वीं रो पे बाजू को जोड़ेंगे
और उसके बाद 5 रो बनाएंगे कमर की, फिर 28 रो बनाएंगे घेरे की। ये मेरा टोटल हिसाब है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डबल धागे से इसके फंदे डालूं, ठीक है, डबल धागे से भी हम फंदे डालते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। धागे को इस तरह से डबल कर लीजिए, डबल करने के बाद उसी तरह से अपनी नॉट बनाइए जिस तरह से हमने पहले बनाई है। ये मैंने धागे को डबल कर लिया, आधे में से एक मैंने नॉट बना ली इस तरह से, ये मेरी पहले बेसिक नॉट बन गई। अब उसके बाद इन दोनों को बीच में से लेके जिस तरह हम सिंगल के बनाते हैं उसी तरह डबल के बनाएंगे। ये डबल का बनाने का फायदा सिर्फ इतना होता है कि ऊपर किनारी सुंदर सी आ जाती है। 16 फंदे डल गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, जो मेरा डबल का इसको मैं छोड़ दूंगी और जो मेरा एक सिंगल है इसको मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। अब जो मेरा एक सिंगल धागा है जहां से मैंने शुरू कर रखा है, वहां से दो, ये दो दो धागों को पकड़ के जो मेरा एक एक फंदा है, इस तरह से करके मैं दो सीधी सिलाई बनाऊंगी। ये मेरी दोनों सीधी सिलाई है, इसमें मैंने एक उल्टा और एक सीधा नहीं किया, मैंने दोनों सीधी सिलाई बनाई है। तो इसको बना के हम वापस आएंगे। देखिए अब मैंने अपनी दो रो बना ली है, फंदे डालने के बाद मैंने दो सीधी सीधी रो करी, ये देखिए इस तरह आया। जो ये मोटी आ रही है, ये इस तरह की किनारी बनी हुई, ये मेरा फायदा होता है अगर मैं दो डबल धागों से फंदे डालती हूँ, तो इस तरह की मेरी किनारी आती है जो सुंदर लगती है, और ये हमारे गले का पोर्शन बनेगा तो ये कवर्ड भी रहेगा, ठीक है। अब मेरी दो रो हो गई है, अब इसके बाद मैं तीसरी रो कर रही हूँ जाली की। जाली के लिए देखिए, पहले दो फंदे मैं डाल रही हूँ सीधे, पहले मैंने एक दो, दो फंदे डाले सीधे, फिर अब मुझे डालनी है दो जाली, तो मैंने ये आगे किया, एक जाली मेरे चार हो गए, फिर आगे किया एक जाली, ये मेरे छह हो गए, ठीक है। अब उसके बाद मुझे एक फंदा बुनना है, एक फंदा बुनना है, फिर मैं आगे करूंगी, मुझे दो फंदे दो जाली बनानी है। जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो, लिख कर करिएगा, बहुत आसान रहेगा। कॉपी को अपने सामने रखिए। अब फिर मुझे एक जाली और बनानी है, तो इसको आगे करूंगी, ये एक जाली और, फिर मुझे दो फंदे बुनने हैं, तो एक और दो, फिर मुझे दो चाली बनानी है, तो ये आगे एक चाली, फिर आगे और ये दूसरी चाली, ठीक है। फिर अब मुझे एक फंदा बुनना है, एक फंदा, फिर दो चाली बनानी है, तो इसको आगे करके एक चाली, फिर आगे करेंगे एक और चाली। अब लास्ट के जो दो फंदे हैं ये मुझे नॉर्मल फंदे बुनने हैं, दो, ठीक है। अब उल्टी रो मुझे पूरी उल्टी बनानी है, जो मेरा खाली फंदा आ रहा है उसको भी फंदा बनाएंगे। अब मुझे अपनी सीधी रो बनानी है, सीधी रो के लिए ये मेरी फिफ्थ रो है, ठीक है। तो अब इसके अंदर पहले मुझे तीन फंदे बुनने हैं,
मुझे 3 फंदे बुनने। अब देखिए जाली के लिए जगह आ गई ना, अब मैं धागा अपना आगे करूंगी और 2 जाली बुनूंगी, फिर एक बार दोबारा धागा आगे करूंगी, फिर एक जाली और बुनूंगी, फिर उसके बाद मुझे 3 बुनने हैं। ये देखिए फिर जाली के लिए जगह आ गई है, उसके बाद मैं आगे करूंगी और सीधे फंदों की तरह ही 2 जाली बुनूंगी, 2। अब इसके बाद मुझे 4 फंदे बुनने हैं जो मेरे फ्रंट के आएंगे। अभी 4 फंदे बुन के जगह आ गई, अब फिर मैं 2 जाली बनूंगी धागा आगे करके, 1 जाली और दूसरी जाली भी इसी के साथ ही मुझे बुननी है, दूसरी जाली इस तरह बुन लिया। अब उसके बाद 2 जाली बुनने के बाद मुझे 3 फंदे बुनने हैं, अब फिर 2 जाली इधर आगे करके, 1 जाली फिर आगे करके, 1 और जाली। अब जो लास्ट के 3 फंदे हैं वो मुझे सीधे ही बुनने हैं। ठीक है, अब जो मेरी नेक्स्ट रो आएगी, देखिए ये मेरी जाली बननी शुरू हो गई है, दिख रहा होगा आपको ये 2 फंदों के बीच में आ रहा है, इसी तरह मेरा यहाँ आ रहा है, ये मेरी जाली बननी शुरू हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे अगली रो करनी है उल्टी, बिल्कुल उल्टी, फिर उसके बाद जो मैंने ये आपको पैटर्न बनाया है इसी तरह हम करते जाएंगे, 7 रो में बढ़ाएंगे, 9, 11 और इस तरह करते हुए हम टोटल अपनी 19 रो कर लेंगे। ठीक है, इस समय मेरी ये मैं 5th रो के ऊपर हूँ। ठीक है, 14 और रोज कर लेंगे, 14 रोज करके 19 रोज जब हमारी हो जाएगी तो आपको देखनी है उतनी चोली बहुत है, अगर आपको ठीक लगेगा फिर हम चोली जोड़ेंगे, तो इसके लिए 19 रो करके अब हम वापस आएंगे। देखिए ये मैंने 19 रोज अपनी पूरी कर ली है, ये इस तरह से आ रहा है, ये थोड़ा बल वाला आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ से हमारा छोटा है और बढ़ते बढ़ते फंदे इतने हो गए, तो इसका बेसिकली ये डिफरेंस आता है। अब देखिए ये जाली एक के ऊपर एक इस तरह से आएगी, ठीक है ना, ये इस तरह से आएगी। सेकेंड जाली देखिए मेरी, ये इस तरह से आएगी, है ना, और ये इस तरह से। अब मैं आपको एक चीज सिखाना चाहती हूँ, मेरी ये जाली देखिए यहाँ पे आपको कुछ गड़बड़ लगती है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए एक फंदा छोड़ दिया, मतलब मैंने यहाँ पे एक ही जाली बनाई 2 बनाने की जगह, मुझे 2 जाली बनानी होती है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा मिक्स सा आ गया है, थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 2 जाली बनानी चाहिए थी और एक ही बनाई है। अब यहाँ पे ये गड़बड़ करने की वजह से मेरे 2 फंदों का फर्क पड़ गया, क्योंकि एक जाली से मेरे 2 फंदे बढ़ते हैं, वो मेरे फंदे नहीं बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्क आ जाता है, तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हम जहां जाली बनाए वहां पे एक के ऊपर एक जाली बनाते जाए। ठीक है, तो अब ये मेरी 19 रो हो गई है, अब मुझे बस इतनी ही चाहिए, मेरे हिसाब से बाजू देखिए इतनी ही बहुत है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे और लंबा करना है चोली का, तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको बाजू बंद करना बताती हूँ कि हम इसमें बाजू का किस तरह से करेंगे। तो अब देखिए ये मैं बुनना शुरू करूंगी, तो ये मुझे सीधी सिलाई करनी है। 19 होने के बाद मैंने 20वीं करी है अपनी उल्टी सिलाई और ये मेरी 21वीं रो है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं शुरू करूंगी, ये मैं सीधे फंदे से शुरू कर रही हूँ, सारे मुझे सीधे फंदे बनने हैं, ये देखिए अब मैं ये जाली पे पहुंच गई हूँ। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे अब जाली नहीं बुननी है क्योंकि मैं अब इसको बंद कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जाली वाले फंदे को भी नॉर्मल मैं सीधा फंदा बुन लूंगी। ठीक है, अब ये जो जाली वाला जो बीच की रो थी, जो ये लाइन आ रही थी, इसको बुनने के बाद, ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जो मेरे बाजू के फंदे इनको घटाना शुरू करूंगी, तो ये फंदे मेरे अलग हो गए। अब यहाँ पे मैं 2 फंदे, 1 और 2,
इनको बुनूंगी और दूसरे में से पहले को निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे बाजू के फंदे अपने बंद करने हैं। ये देखिए, दूसरे फंदे को इस तरह से खींचकर इसमें से निकाल दीजिए, तो ये मेरा बंद होना शुरू हो जाएगा। फिर एक फंदा और बुनिए। अब जो मेरा दूसरा फंदा है उसमें से इसको निकाल दीजिए। अब जो मेरे यहाँ के फंदे हैं, ये मेरे पीछे पेच के हैं, ये इसी तरह रहेंगे, बस मैं बाजू के फंदों को बंद कर रही हूँ। तो एक एक फंदा बुनते जाइए और इसको इस तरह से बंद करते जाइए। हम अपने फंदों को बंद किस तरह से करते हैं उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। इस तरह से इतनी मेरी हो गई है। अब मैं वापस जाली के ऊपर पहुंच गई हूँ, तो ये वाला मैं बुनूंगी जरूर। और जो मेरा लास्ट फंदा है इसको इसमें से निकाल के ये जाली वाले फंदे को बस मुझे छोड़ना है। तो मेरी बाजू बनेगी इतनी, ये देखिए इतनी मेरी बाजू बन जाएगी इस तरह से। ये आएगी मेरी बाजू की शेप, ठीक है। अब इसके बाद जितने फंदे हैं उनको मैं नॉर्मल बुन लूंगी। अब मुझे कोई जाली का ध्यान नहीं रखना, अब मुझे हर एक फंदा बस सीधा बुनना है। फिर मेरी जाली आ गई है, तो जाली वाला फंदा मैं बुन लूंगी। इसके बाद के जो दो फंदे हैं इनको बुनकर अब मैं घटाना शुरू करूंगी, एक और दो। अब इसको मैं घटाना शुरू करूंगी, तो यहाँ पे मैं ये सेकंड में से फर्स्ट को निकाल के इसी तरह अपनी बाजू घटा लूंगी और अपनी रो पूरी कर लूंगी। ये देखिए, ये मैंने जोड़ ली है अपनी बाजू, मेरी इस तरह से आ गई, और ये मेरे दो बाजू के होल इस तरह से अलग हट जाएंगे जो मैंने बंद किए थे। तो ये फ्रंट से देखने में इस तरह से आएगा, ये मेरी चोली बन जाएगी, ये मेरे फ्रंट के हिस्से, ये पीछे बैक का, और ये दोनों पास इस तरह से बन जाएगा। अब इसको करने के बाद मेरे इसमें है टोटल 47 फंदे, ठीक है। मैं एक फंदा बढ़ा के इसको 48 कर लूँगी, ठीक है, ताकि उसके बाद मैं जाली डाल सकूँ। बट उससे पहले कमर बनाने के लिए मैं चार पट्टी करूंगी, चार रोज करूंगी सीधे सीधे की। सीधे सीधे में मेरा इस तरह का डिज़ाइन बन जाता है, ये इस तरह का। तो चार या पांच कर लूंगी, पांच करूंगी मैं सीधे सीधे की, ताकि ये मेरा इस तरह का डिज़ाइन बन जाए। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, मेरी जाली देखिए, ये इस तरह की और ये इस तरह की। इसमें देखिए छोटे छेद आए हैं और इसमें थोड़े बड़े छेद आए हैं, ये फर्क है हमारा सिलाइयों का। ये मैंने करी है 10 नंबर की सिलाई से और ये मैंने करी है 11 नंबर की सिलाई से। तो अगर हम सिलाई देखते हैं, ऊन तो ऑलमोस्ट मेरी सेम ही है दोनों, बट अगर हम सिलाइयों का फर्क देते हैं, ये थोड़ा टाइट आया है और ये थोड़ा बहुत लूज आया है, तो ये हमारा सिलाइयों का फर्क होता है। तो इसलिए जरूरी है कि सही ऊन के साथ हम सही सिलाइयों का इस्तेमाल करें। जब मैं ये अगली सिलाई कर रही हूँ, ये मैंने सीधी सीधी निकाली है, तो इतनी तो मेरी आ गई। अब इसके बाद ये जो बाजू वाला हिस्सा है, ये इस तरह का आ रहा है, बट इसको हमें टाइट करके जॉइन करना है। इसमें हम कोई सिलाई नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मैं जो सीधा फंदा लूंगी इसको बिल्कुल टाइट रखूंगी, इस तरह से खींच के, इस तरह से मैं इसको खींच के रखूंगी ताकि ये मेरा जुड़ जाए। जब हम एक दो सिलाइयाँ करते हैं तो उसके बाद ये हमारा टाइट हो जाता है, इसके अंदर कोई सिलाई करने की ज़रूरत नहीं होती, ये इसी तरह फंदे जुड़ के जोड़ा जाता है। ये देखिए, ये मैंने कर लिया है, और सीधा सीधा करने में इस तरह का, ये देखिए इस तरह का मेरा डिज़ाइन आता है। जब हम एक रो सीधी और एक रो उल्टी करते हैं तो वो इस तरह की आती है वी शेप में, और अगर जब हम बिल्कुल सीधा सीधा या उल्टा उल्टा करते हैं तो वो इस तरह का आता है, गोल 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 डिज़ाइन, ठीक है। अभी मैंने कमर की लाइंस बना ली है, अब इसके बाद मैं घेरा चालू कर रही हूँ। इस डिज़ाइन के अंदर मैं आपको जाली वाला घेरा ही बता रही हूँ। अब देखिए, ये मेरे 47 है, ये मैंने कर ली है रो, इसके बाद मेरा डिज़ाइन ये आ गया। अब मुझे घेरे की जाली बनानी है, घेरा बनाना है जो जाली वाला होगा, ठीक है। तो 47 मेरे पास फंदे हैं, इनके मैं 46 करूँगी, एक फंदा घटा दूँगी। घटाने के बाद मैं पाँच जाली डालूँगी, घटाने के बाद मैं पांच जाली डालूंगी। देखिए, जैसे मैंने इस पोशाक में डाल रखी है, पांच जाली मैंने डाल रखी है,
पहले मैं 6 फंदे बुनूंगी, फिर 2 फंदों की जाली डालूंगी, फिर 6 फंदे बुनूंगी, फिर 2 फंदों की जाली डालूंगी, फिर 6 फंदे बुनूंगी, फिर 2 फंदों की जाली डालूंगी, फिर 6 फंदे बुनूंगी, फिर 2 फंदों की जाली डालूंगी, फिर 6 फंदे बुनूंगी। इस तरह करके लास्ट में मुझे छोड़ना और मेरी 5 की जाली आ जाएगी। इस तरह करके मेरे को 12 रोज बनानी होंगी, जिसमें मेरे टोटल हो जाएंगे 166 के करीब मेरे फंदे हो जाएंगे। उसके बाद मैं घेरे को और नहीं बढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर आप जब जितनी भी रो कर रहे हैं हर रो के अंदर 10 फंदे हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद मैं और नहीं बनाऊंगी, क्योंकि 166 का घेरा बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद मैं रोक दूंगी। उसके बाद अगर आपको लेंथ छोटी लगती है तो आप ये बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर में आप सीधी सीधी सिलाइयाँ करते जाएंगे। जितने भी हमारे फंदे बचेंगे 166 के बाद, जब हमारे 166 फंदे हो जाएंगे, उसके बाद सिर्फ हम ये सीधी सीधी सिलाइयाँ करते रहेंगे, जितनी भी लंबाई आपको चाहिए उतनी तक।